सर देखिए, ये देखिए, पूरा हाथ नीला है, क्या जहर गया है हाथ में? हाँ सर, ये लड़की जहर से मरी है, सांप के जहर से। ये देखिए, साथ है, अभी पता चल जाएगा कौन सा सांप था। सर, इस लड़की को वाइपर ने काटा है, 100 स्केल वाइपर, जिसे फुटसी भी कहते हैं, बहुत ही जहरीला सांप है, होता तो 1.5 फुट का ही है। हाँ, लेकिन सांप ने हाथ में कैसे काट लिया? ये ईशा का पर्स है, इसमें किसी ने नीचे यहाँ पर छेद बनाए हुए, नीचे, ताकि ये दिखाई ना दे। मतलब सांप इसमें था? हाँ, किसी ने इसमें छेद इसलिए बनाए ताकि सांप दम घुट कर मर ना जाए। सांप पर्स में था। बेचारी ईशा ने मोबाइल निकालने के लिए अपना हाथ पर्स में डाला और सांप ने उसे काट लिया। इसका मतलब किसी ने सांप से ईशा का खून कर दिया है। ईशा का खून कैसे हो सकता है? उसे तो सांप ने काटा है। और सर, उसे कोई क्यों मारेगा? यही तो जानना है कि सांप ईशा के पर्स में आया कैसे। सांप पर्स में? पर्स में? हाँ, और सांप पर्स के अंदर किसी ऐसे आदमी ने रखा है जिसे मालूम था कि ईशा ने पर्स कहां पे रखा था। ईशा का खून करने वाला आप में से कोई एक है। खून? प्लीज सर, ऐसे मत कहिए। भला हम में से कोई क्यों ईशा को मारने लगा? सर, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो टीवी एक्ट्रेस हूँ। इन्होंने कहा माँ का रोल कर, मैंने किया, मुझे पैसे भी नहीं मिले। सर सर, मैं जाऊँ? कोई यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। तुम जितने लोगों ने भी ये मजाक करने का प्लान बनाया था, वो सब के सब हैं यहाँ पे। देखो जरा। सर, करण और रोहन नहीं है सर। कहाँ गए ये दोनों? मालूम नहीं सर। है कौन ये दोनों? सर, करण तो सर्वेंट बना था जो एसीपी साहब को मिला था। और रोहन? रोहन तो ईशा के साथ ही था सर। मगर वो वहां तो कहीं दिखाई नहीं पड़ा। सब वहीं पे कहीं छिपा हुआ था। कहीं रोहन ने तो सांप नहीं रख दिया पर्स में? रोहन तो ईशा का बॉयफ्रेंड है, मगर उन दोनों का झगड़ा चल रहा था इन दिनों। तुम जरा इधर आओ जी। उन दोनों का फोन नंबर लिखवा। वो कार किसकी थी जो वहां पे खड़ी थी? कौन सी कार सर? ईशा कह रही थी कि उसकी गाड़ी खराब हो गई है, किसकी थी वो गाड़ी? मालूम नहीं सर। सुधाकर सर, तुम लोग जल्दी से जाके देखो वहां पे, देखो कार है कि नहीं। यस सर। चलिए आप लोग। सर एक मिनट। क्या रक्ष? सर, मुझे आपको कुछ दिखाना है। क्या? सर, मुझे आपसे इसके बारे में कुछ बात करनी थी। ये कहां से मिला तुमको? सर, ये एक लड़की के हाथ पे बना हुआ था, और सर यही सिंबल मेरे भाई के एक बुक में से मिला था। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सर, लेकिन दिस इज वेरी। सर, वो करण और रोहन का फोन लग नहीं रहा है, कुछ गड़बड़ है। अगर वो कार मिल जाए तो कुछ पता चल सकता है। सर, ये देखो। सर,
फ्रेडरिक्स चलिए आइए। ये रोहन है पर ये तो गायब था, अचानक से इसकी मौत कैसे होगी? ईशा की मौत में इसका हाथ हो सकता है, ये जो हमारा शक था ये तो गलत निकला। हाँ शायद बिल्कुल गलत है क्योंकि इसकी मौत ईशा की मौत से पहले हुई थी। रोहन की मौत ईशा से पहले हुई तो जिस आदमी ने रोहन को मारा है उसी ने ईशा के पर्स में सांप रख दिया। सर ये भी हो सकता है कि जब आप ईशा की गाड़ी चेक करने के लिए गए कि कहीं वो झूठ तो नहीं बोल रही, तो शायद उस समय रोहन की बॉडी कार में ही थी। हाँ हाँ ये हो सकता है कि उस वक्त बॉडी वहां पर थी और मुझे पता ही नहीं चला। और वो करण कहाँ है? सर हमारा एक आदमी उसके घर के बाहर खड़ा हुआ है। सर मुझे फिर से इसके बारे में बात करनी है। इसके बारे में मैं जब भी कुछ कहता हूं तो सब टाल क्यों देते हैं? क्या बात करना चाहते हो? सर मेरे भाई का खून होने के बाद उसका जो सामान मुझे मिला, ये पेपर मुझे उसमें से मिला। अब जब उस रेस्टोरेंट में मैंने उस लड़की के हाथ पे भी यही निशान बना हुआ देखा तो मुझे लगा उसका इस खून से कोई संबंध है। वो लड़की भाग गई लेकिन सर दक्ष तुम इस चीज के बारे में थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। भूल जाऊं सर? हाँ क्यों सर? क्योंकि तुमने झूठ बोला है। सर मैंने झूठ बोला है सर? हाँ तुम्हें ने कहा था ना कि तुम क्रिमिनल्स के दिमाग में झांक कर देखना चाहते हो कि वो गुनाह क्यों करते हैं। जी सर। और ये क्या हो रहा है? तुम्हें अपने भाई के खूनी को ढूंढना है इसलिए तुम सीआईडी में आए हो और कुछ नहीं? नहीं सर वो लड़की मुझे दिख गई तो मेरे दिमाग में आया कि शायद मेरे भाई के खून का सुराग मिल सकता है सर, लेकिन यहाँ पर मेरी मदद करने के बजाय मुझसे सब छिपा रहे हैं। सर आखिर इस निशान में ऐसा है क्या? क्या सीक्रेट है जो आप लोग मुझसे छिपा रहे हैं सर? दक्ष तुम इस निशान को भूल जाओ। सर लेकिन ये मेरे बस भूल जाओ मतलब भूल जाओ। सर एक मिनट इधर आइए, करण मिल गया सर। ईशा का खून क्यों किया तुमने? सर मैंने नहीं किया। नौकर बनने का बड़ा शौक है। सर मैं वहां था ही नहीं। तुम वहां थे ही नहीं? मैं नौकर बना ही नहीं। मुझे फोन करके कहा गया कि एसीपी के साथ मजाक करने का प्लान कैंसिल हो गया है, चुपचाप घर पे बैठो। नहीं ये वो नहीं है, वो कोई और ही था। फोन किसने किया था? सर रोहन ने। रोहन ने? हाँ सर। पर रोहन का तो खून हो गया है। हाँ सर मुझे भी अभी पता चला है। सर ईशा ने जब आपकी गाड़ी को रोका तो वहां दो लोग छुपे होंगे, एक तो रोहन और दूसरा वो खूनी। और आपके चले जाने के बाद उसने रोहन का खून कर दिया और उसकी लाश को टिक्की में बंद कर दिया। डॉक्टर मुझे आपसे कुछ बहुत ही जरूरी बात करनी है। क्या? डॉक्टर सीआईडी के ऑफिसर्स मुझसे ठीक से बात करने को तैयार नहीं है। अच्छा? और मुझे लगता है कि आप मेरी बात अच्छी तरह से समझेंगी क्योंकि आपकी जिंदगी में काफी कुछ वही हुआ है जो मेरे साथ हुआ है। क्या? आपके पति की मौत। मेरे पति की मौत मेरा पर्सनल मामला है। मैं जानता हूं डॉक्टर अंजलिका, पर मैं मुझे अपने भाई के मौत के बारे में बात करनी है तो किससे बात करूं मैं, बताइए आप। लगता है काम में तुम्हारा मन नहीं लग रहा है। सीआईडी में जिस काम के लिए आए हो पहले वो काम पूरा करो। जी हाँ वही काम करना चाहिए। अपने किसी का खून हो तो चुप बैठो, दूसरे किसी का खून हो जाए तो भागते फिरो, राइट? हाँ ऐसा ही करना पड़ेगा। डॉक्टर आप भी यही कह रही है, आपके आपके पति का खून हो गया। दक्ष मेरे पति की मौत मेरी आंखों में आंसू लाती है, हर रोज लाती है, पर मेरे हाथ कभी नहीं कांपते। मेरा काम आज तक सफल नहीं हुआ है। काश मैं ऐसा कर सकता डॉक्टर,
पर जब से मैंने ये देखा है ना, मेरे भाई के खून के अलावा मैं और कुछ सोच भी नहीं सकता हूँ। क्या देखा? ये। ओ, ये। आपको मालूम है ये क्या है? हाँ। आप जानती है डॉक्टर ये क्या है? What is this डॉक्टर? मुझे बताइए। हेलो डॉक्टर अंजलि, पता चला तुम्हें कुछ मिला है? यस सर। दक्ष, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैं सर, सर ये रोहन का जूता है सर। इस पर ये जो मिट्टी लगी है, इसे जब टेस्ट करेंगे तो पता चलेगा कि ये मिट्टी उस जगह से आई है जहाँ ईशा की गाड़ी खड़ी थी, या उस जगह से जहाँ ईशा की मौत हुई थी। अच्छा, ये देखिए सर, ये देखिए, स्नेक स्किन, सांप की खाल, वही सांप, वाइपर। रोहन और सांप? सर वो स्टूडेंट्स भी बता रहे थे कि ईशा और रोहन के बीच कुछ झगड़ा चल रहा था। चलो मान लेते हैं कि ईशा को रोहन ने मारा है सांप से, तो फिर रोहन को किसने मारा है? वो जो लड़का नौकर की एक्टिंग कर रहा था, मुझे वही गड़बड़ लगता है। तुम लोग वापस उस घर में जाके देखो वो घर है किसका, और इन लोगों को वो घर दिया किसने। मैं कानों पर हाथ लगाता हूँ, मैं जिंदगी में फिर किसी को बंगला नहीं दूंगा। मुझे क्या मालूम था कि खून हो जाएगा। वो तो कह रहे थे कि थोड़ा मजाक करना है। अब देख लिया ना मजाक? जी साहब, वो लड़की जब पैसे देने आई थी तो किसे मालूम था कि बेचारी मर जाएगी। पैसे लड़की ने दिए थे? जी साहब। और वो लड़का जो नौकर बना था, उसे जानते हो? नहीं, वो तो जब जा रहा था टैक्सी में, बस तब भी मैंने उसे देखा था। ओ, वो टैक्सी में गया? इतनी सुनसान जगह पे उसे टैक्सी कहां से मिली? यहीं आगे लानावली नाके पे एक टैक्सी स्टैंड है, वहीं पे फोन करके उसने टैक्सी बुलवाई थी। कल रात को यहाँ से एक टैक्सी वाला वहाँ गया था, वहाँ पे बंगले से एक पैसेंजर को उठाया था उसने। साहब, हम लोगों का खून से कोई लेना देना नहीं है। हम किधर बोल रहे हैं कि तुम लोगों ने कुछ किया है, हम तो सिर्फ खूनी को ढूंढ रहे हैं। हाँ, क्या तुम जानते हो वो टैक्सी वाला कौन था जो कल वहाँ पे गया था? हाँ साहब, मालूम है, उसका नाम राजू है। राजू कहाँ है? वो वहाँ पर है साहब। ए राजू, इधर आ। ए, बता दे इनको, साहब साहब बताना क्या हुआ था रात को। नमस्ते साहब। नमस्ते राजू, कल रात वो पैसेंजर कहाँ गया था, कहाँ छोड़ा था तुम्हें? वो तो साहब फिल्म सिटी गया था। फिल्म सिटी? हाँ साहब। रात को 12:30 बजे वहाँ पे कोई वो शूटिंग वगैरह चल रही थी। शूटिंग? हाँ साहब, जब वो वहाँ पे पहुँचा तो वो शूटिंग वाले उस पर चिल्लाने भी लगे। चिल्लाने लगे क्यों? वो सब लोग उसका इंतजार कर रहे थे, वो काफी लेट से पहुँचा था ना करके। यहाँ आप लोगों के साथ कितने एक्टर्स काम कर रहे हैं? ये करीब 20 लोग हैं, जिसमें 5 सीनियर एक्टर हैं और बाकी तो सब नए हैं। आप लोगों की शूटिंग यहाँ कल रात को भी चल रही है? जी हाँ, बिल्कुल चल रही थी। हमने कल पूरी रात शूटिंग की है और आज सुबह से कर भी रहेंगे, और आज रात को भी करनी है, तब जाकर कहीं 2 एपिसोड कम्प्लीट आए। कल रात को आपका कोई एक्टर लेट आया था यहाँ पे? एक्टर लेट आया था? करीब 1 बजे पहुँचा था यहाँ। 1 बजे? अरे हाँ, वो लेट आया था कटारी, जिसकी वजह से हमारी शूटिंग 2 घंटे रुकी हुई थी। कटारी है यहाँ पे? है? कटारी होना चाहिए, सामने सेलफोन में बात कर रहा है ना, वही कटारी है। चलो यहाँ पे तेरी शूटिंग खत्म हो गई। कौन है आप लोग, कहाँ लगा रहे हैं मुझे? मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ सर। फिर वही चीज, वही निशान। मैंने कहा है ना, इस चीज को कुछ दिनों के लिए भूल जाओ। नहीं सर, ये वो नहीं है। तो फिर क्या है? सर मैं कुछ दिनों के लिए छुट्टी चाहता हूँ। ओह, तुम्हारे भाई का मर्डर इसीलिए ना? यस सर। मैंने कहा था ना, तुम CID में इसीलिए आए हो कि तुम अपने भाई के मर्डर की छानबीन करो। नहीं सर, ये बात नहीं है सर। दरअसल जब से मैंने उस लड़की को देखा है ना, जिसके हाथ पर वो निशान बना हुआ है सर, मेरे दिमाग में दिन रात यही बात घूमती रहती है कि
वो है क्या चीज आखिर? दक्ष, मुझे लगता है तुम्हें छुट्टी लेनी ही चाहिए, और जब तुम्हारा दिमाग शांत हो जाए तब आना वापस, ओके? यस सर। सर लेकिन वो निशान, तुम्हारी छुट्टी मंजूर हो गई, अब तुम जा सकते हो। सर ये लीजिए, ये रहा आपका वो नौकर जो वहां पे था, कटारी नाम है इसका। हाँ ये वही है। मैं था सर, अच्छी एक्टिंग की थी ना? बहुत अच्छी एक्टिंग की थी तुमने, तुम्हारी एक्टिंग की वजह से एक लड़की की मौत हो गई। क्या बात कर रहे हैं सर, किसकी मौत हो गई? देख भाई एक्टर, अभी एक्टिंग बंद कर, चुपचाप रास्ते पे आ जा, समझा? बताओ, सच सच बताओ, उस लड़की का खून क्यों किया तुमने? मैंने कोई खून नहीं किया। रोहन को क्यों मारा? ये रोहन कौन है? एक्टिंग बंद। मैं एक्टिंग नहीं कर रहा हूं सर। इस पेपर पे लिखो सच क्या है, लिखो, और इधर उधर की बातें नहीं करनी, समझा? लिखो। मुझे बोला गया था चुपचाप अपनी लाइनें बोल के चले आना, मैं तो सिर्फ अपनी लाइन बोला था सर। आपने जब उस दिन पिस्तौल लगाई थी तो मेरे पैर कांप रहे थे, मैंने कुछ नहीं किया सर, मुझे कुछ नहीं मालूम सर, मुझे कुछ नहीं मालूम। एक बार बता, ये नौकर की एक्टिंग करने के लिए तुझे पैसे किसने दिए थे? खून हो गया और तुम लोग मसल बनाने में लगे हो, सबको सीआईडी ब्यूरो चलना होगा, सबको गिरफ्तार किया जाता है। पर हमने किया क्या है? चुप, सब चुप। हमने किया क्या है? वो लड़का जो नौकर बना था वहां बंगले में, किसने बुलाया था उसे वहां? तुमने बुलाया था? सब ना बोल रहे, तो फिर किसने बुलाया उसे वहां? कोई ऐसे नहीं मानेगा। सुधाकर, फ्रेडरिक्स, जब को फिर लेके चलो, 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 चलो। फिर किसने किया? किसने किया बोलो? अरे तुम बंद करो, सुना नहीं? अरे कौन तुम? तो तुम हो करण? चलो उतरो नीचे। नहीं सर, मैं नहीं जाऊंगा। उतरो। नहीं सर, मैं नहीं जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं नहीं जाऊंगा सर। सर ऋषि और रोहन को छोड़ना चाहती थी, पर रोहन ये बात मानने को तैयार ही नहीं था। ईशा किसी और से प्यार करे ये रोहन देख ही नहीं सकता था, इसलिए उसने ईशा के पर्स में एक सांप रख दिया। पर तुमने रोहन को क्यों मारा? वो दिन रात ईशा का पीछा करता रहता था, पागल हो गया था, उसने ईशा का जीना मुश्किल कर दिया था। फिर ईशा ने मुझसे आकर कहा कुछ कर। सिर्फ इतना ही कहा था ना, कुछ कर, तुमने उसे चाकू ही मार दिया। मैं तो सिर्फ उसे डरा रहा था सर, और फिर वो चिल्लाने लगा, और हमारे झगड़े में कब उसे चाकू लगा मुझे कुछ पता नहीं चला। मैं लाश को देख के डर गया था सर, मैंने लाश को गाड़ी में छुपा दिया। तुम्हें रोहन के खून के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है, फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the show links and enjoy watching the videos.